हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्लेवर्स ट्यूब में। तो आज हम आए हैं एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, और आज जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो है दही आलू। तो दही और आलू के साथ हम ये इंटरेस्टिंग, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी हम बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो दही आलू बनाने के लिए सबसे पहले हम दही को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसके लिए आप एक बोल में दही आप ले लें और इसे अच्छी तरह से आप थोड़ी देर व्हिस्क कर लें ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। और फिर हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, पाउडर्ड मसाले, बेसिक हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक, और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसमें थोड़ा सा बेसन हम इसमें डालेंगे। तो बेसन डालने से क्या होता है कि जब हम दही को पकाएंगे तब ये फटेगा नहीं, तो कर्डल नहीं होगा और अलग अलग जैसे हो जाता है, एकदम स्मूथ रहेगा। इसका कंसिस्टेंसी, इसका टेक्सचर स्मूथ रखने के लिए हम इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे। तो बेसन ऐड करने के बाद फिर से आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि बेसन अच्छी तरह से मिल जाए और उसके लम्प्स ना हो। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसे हम अच्छी तरह से व्हिस्क कर लेंगे और इसका एक मिक्सचर हम तैयार कर लेंगे। तो इसे अच्छी तरह से व्हिस्क करना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी तरह से मिलाने के बाद फिर हम इसे लगभग 5 से 10 मिनट ऐसे ही हम इसे थोड़ा सा रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, अब हम आलूओं को प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसके लिए आप आलूओं के मोटे मोटे स्लाइसेस, ज़्यादा थिक नहीं, एकदम मीडियम, ज़्यादा ना पतले ना ज़्यादा थिक, तो एकदम मीडियम साइज़ के स्लाइसेस हम आलूओं के काट लेंगे। और इनमें भी हम थोड़ा सा पाउडर्ड मसाला हम इनके ऊपर रब करेंगे, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा बेसन। और इसे भी हम अच्छी तरह से, इस मसाले और बेसन के साथ हम इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे ताकि एक पतली सी कोटिंग इसके ऊपर लग जाए और जब हम इन्हें ऑयल में शैलो फ्राई करेंगे तो एकदम क्रिस्प हो जाए। तो अच्छी तरह से मसाले और बेसन लगाने के बाद इन्हें भी हम 4 से 5 मिनट हमने रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, अब हम आलूओं को शैलो फ्राई करेंगे। तो इसके लिए आप एक फ्राइंग पैन या कढ़ाई ले लें और उसमें थोड़ा सा तेल ले लें और फिर हम इसमें जो आलूओं के स्लाइसेस हैं जिन्हें हमने मसाले और बेसन के साथ हमने कोट करके रखा है, उन्हें हम इसमें फ्राई करेंगे जब तक कि ये बहुत ही अच्छा क्रिस्प हो जाए और गोल्डन ब्राउन कलर इनमें दोनों साइड से ना आ जाए। तो थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, 3 से 4 या 5 मिनट इसमें लगेगा। तो आप ढक कर आप इन्हें पलटते हुए मिनट बाय मिनट बेसिस पे आप इन्हें फ्राई करें। तो जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर दोनों साइड से ना पकड़ ले और एकदम क्रिस्प ना हो जाए तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है। तो दोस्तों, फाइनली हमारे जो आलू के स्लाइसेस हैं उनमें बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और एकदम क्रिस्प हो गए हैं। तो जब आप इन्हें करछी से थोड़ा सा टच करेंगे या फिर चम्मच की मदद से आप इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर से ये सॉफ्ट हो गई हैं, पक गई हैं और बाहर से एकदम क्रिस्प हो गई हैं। तो अब हम इन्हें गैस में से, मतलब कढ़ाई में से हम इन्हें निकाल लेंगे। तो दोस्तों, अब हम दही के मिक्सचर को कुक करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम उसी कढ़ाई में जिन्हें हमने आलूओं को फ्राई किया है उसी में ही हम जो तेल है थोड़ा सा हम बचा लेंगे, ज़्यादा तेल नहीं लेगा, बस थोड़ा सा तेल। और फिर हम इसमें डालेंगे हींग, चॉप्ड अदरक, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्चें, थोड़ा सा सरसों और ज़ीरा। और ये सभी चीज़ें डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, इन्हें स्टर कर लेंगे ताकि अपना फ्लेवर ऑयल में रिलीज़ कर लें। तो दोस्तों, थोड़ी देर सभी चीज़ों को स्टर करते हुए फ्राई करने के बाद जब ये थोड़ा सा कुक हो जाए तब हम गैस को बंद कर लेंगे। और गैस को बंद करने के बाद हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो जो फ्राइंग पैन या कढ़ाई का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए,
ज़्यादा गर्म ना हो। और फिर हम इसमें जो दही का और दही और बेसन और मसालों का जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ रीज़न यह है कि जब अगर आप जो दही है वो आप गर्मा गर्म कढ़ाई या फ्राइंग पैन में आप डाल लेंगे तो दही फटकर अलग हो सकता है और कर्डल हो सकता है, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो आप सभी चीज़ों को फ्राई करने के बाद आप गैस को बंद कर लें, 3 से 4 मिनट वेट करें ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए, और फिर आप इसमें जो दही का मिक्सचर वो आप इसमें डालें, और फिर डालने के बाद इसे आपको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इसे आपको एक सर्कुलर मोशन में इसे आपको घुमाते रहना है, ताकि दही का जो एक जो लेयर्स हैं वो ज़्यादा देर एक ही जगह में ना रहें, नहीं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो फट जाएंगे। तो आपको इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए एक सर्कुलर मोशन में आपको इन्हें घुमाते रहना है। तो दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और फिर हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दही जब आपने इसे विस्क किया था सभी चीज़ों के साथ, बेसन और हल्दी लाल मिर्च पाउडर उसके साथ, उस वक्त भी हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला हुआ था और आलू में भी हमने नमक डाला हुआ है। तो आप थोड़ा सा नमक को टेस्ट करके यहाँ इसमें डालें अपने टेस्ट के हिसाब से, और इसमें आपको मीठा कितना पसंद है उस हिसाब से भी आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नमक और चीनी डालने के बाद फिर से हमें इन्हें अच्छी तरह से मिलाना है, इसे मिक्स करना है, और ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें पानी भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। आपको अगर आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, और इन्हें आपको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इसे आपको पकाना है। और यहाँ आप ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में हो, ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपको इसे नहीं पकाना है, लो और मीडियम फ्लेम के बीच में आपको इसे पकाना है। तो दोस्तों अब हम इसमें जो आलू के फ्राइड स्लाइसेस हैं वो हम इसमें एक एक करके डालेंगे। तो सभी आलू के पीसेस को हम इस दही के मिक्सचर में डालेंगे, और फिर हम इसे 6 से 7 या 10 मिनट हम इसे कुक करेंगे ताकि जो दही का जो फ्लेवर है वो आलूओं में अच्छी तरह से आ जाए, जो स्वीट एंड सॉल्टी और सावर फ्लेवर वो अच्छी तरह से आलूओं में आ जाए और ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और एक साथ सभी चीज़ें आ जाए। तो आलू डालने के बाद धीरे धीरे हम इन्हें स्टर करते हुए 7 से 10 मिनट हम इन्हें पकाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो दही और आलू का जो मिक्सचर है वो धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, उसमें बहुत ही अच्छा उबाल आ रहा है, और बस और 2 से 3 मिनट इसमें लगेगा और फिर हमारा जो दही आलू है वो एकदम बनकर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो दही आलू है वो एकदम बनकर रेडी हो गया है। तो इसे आप धनिया के पत्ते के साथ इसे आप गार्निश करके आप इसे सर्व करें और इसे आप इंजॉय कर सकते हैं स्टीम राइस के साथ, नहीं तो खिचड़ी के साथ। इसका टेस्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो रेसिपी है वो ज़रूर पसंद आई होगी और इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फ्लेवर्स ट्यूब को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक्स अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो हम फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।